एक दुकानदार एक वस्तु को सीपी पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह गलत वजन का प्रयोग करके 33.1% लाभ कमाता है। उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया? देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को सीपी मतलब क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब ऐसे बोलता है, लेकिन रियल में क्या करता है वो गलत वजन का प्रयोग कर लेता है, तो उससे क्या है 33.3 प्रॉफिट कमा लेता है। अब पूछ रहा है उसने 1 केजी की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया, देखिए कितना लाभ कमा रहा है 33.3%। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 हो गया, क्योंकि 3×33 99 प्लस 100/300, 0 से 0 0 से 0 1/3 बचेगा। सॉरी भाई, तो इसमें नीचे 3 SP हो गया, सॉरी CP हो गया, ऊपर 1 प्रॉफिट हो गया, 3 रुपये 1 रुपये का फायदा करता है। तो जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेच के 3 रुपये की चीज़ को देखता है तो 1 रुपये का फायदा होता है, तो कितने में बिकता है? 4 रुपये में बिकता है। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि वो जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, नहीं रियल में वो इतने में बेच नहीं रहा है, ठीक है, वो गलत बांट है ना उसको कम कर लेता है, मतलब गलत बांट का प्रयोग करता है, ठीक है। हमसे अगर हमको पूरा 1 केजी देगा ना तो 4 रुपये ले रहा है, SP 4 है, 4 रुपये ले रहा है एक्चुअली, मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, 4 रुपये मिल रहा है 1 केजी। वो पूछ रहा है कि वो अगर CP पर दे और 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल कर रहा है, वो तो निकालेंगे, CP पर बेचने का दावा करता है ना यहाँ पे, तो 3 के बराबर निकाल देंगे, तो कितना वजन इस्तेमाल करेगा वो, 4 × 3, 4 से 25, 250 से, सॉरी ब्रो आपको दिखने रहा है, 3 बराबर 1/4 × 3 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे 1/1 को 250, 250 × 3 = 25 × 75, 750 ग्राम का यूज़ करेगा वो, मतलब 1000 की जगह पे हमको 750 ग्राम देगा, तब वो उसको 33.3% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने में खरीद रहा है वो 1 केजी चीज को पैसे उनसे उतने ले रहा है, प्लस क्या है 1 केजी चीज की जगह कम दे रहा है हमको, वजन का प्रयोग करता है, गलत बांट का प्रयोग करके वो कम वस्तु हमको दे रहा है, ठीक है, तो कितनी कम दे रहा है वो चीज पूछिए, तो 750 ग्राम कम दे रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो सेम टाइप का इस सेकंड क्वेश्चन है, ये समझिएगा एक बार। एक दुकानदार एक वस्तु को सीपी पर बेचता है, परंतु वह गलत वजन का प्रयोग करके 14.27% का लाभ कमाता है। उसने 1 केजी की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया, ठीक है, पूछ रहा है, गलत वजन का प्रयोग करके वह 14.27% लाभ कमा लेता है, तो उसने 1 केजी की जगह कितना वजन का, कितना जो हमको सामान दिया है उसने, 1 केजी न देके कितना दिया है कम, ये पूछ रहा है। पैसे तो उतने लिए जितने जितने उसने खरीदा है उतने ही पैसे लिए हमसे, लेकिन उसने फायदा कमाने के लिए क्या किया है, उस आइटम को हमको कम दे दिया है, वजन गलत वजन का प्रयोग किया उसने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कितना का परसेंट का लाभ हो रहा है, 14.27% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे ना 100 को भाग देकर, तो 1/7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा CP, हो जाएगा प्रॉफिट,
और 7 और 8 ये क्या हो जाएगा, एस पी मतलब इतने में की 7 रुपये की चीज़ खरीद के 1 रुपये का फायदा कर रहा है व्यक्ति, तो कितने में उसको बेच रहा है, 8 रुपये में, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या हो रहा है देखो, 8 रुपये में, अब 8 बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम के, ठीक है, तो कितनी हमको दे रहा है वो 7, 7 करने के बराबर हो जाएगा 1000/8/7 सॉरी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 × 8 250, 100 कितना है भैया, 125 आ जाएगा ना, 7 125 होना, 7 करेंगे 35, 3 × 7 = 14, 17 × 1 = 7 = 8, हमको 1000 ग्राम की जगह 8700 सॉरी 1000 ग्राम की जगह 875 ग्राम देगा, तब उसको 14 × 2/7% का फायदा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चावल को 25% लाभ पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 1250 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये पूछा है। देखिए 1000 ग्राम चावल है मान लो, ठीक है, चावल है, वो क्या करता है, 1 किलोग्राम चावल को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 25% निकालेंगे इसका 1000 कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा में बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है, की जगह 1250 वजन देता है। एक व्यक्ति कह रहा था एक किलोग्राम को 25% के प्रॉफिट पर देता है, तो 1250 का दे दिया, और क्या कर देता है वो 1 किलोग्राम की जगह वो 1250 ग्राम दे देता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो 1250 ग्राम को 1250 में दे रहा है, तो क्या हुआ, 1250 × 12% नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें क्या जाएगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इसमें ना तो उसको फायदा हुआ ना हानि हुई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय तथा बेचते समय 1 किलोग्राम के सामान में 200 ग्राम की चोरी करता है, प्रॉफिट परसेंट क्या है। मान लो एक दुकानदार है, वो क्या करता है, कोई भी आइटम जब होलसेलर से खरीदने जाता है तो 1 किलो की जगह पे क्या 200 ग्राम एक्स्ट्रा उसमें डाल के तोड़ देता है, चोरी कर लेता है, 1 किलो की जगह पर 1200 ग्राम लेता है, ठीक है, और जब किसी को उसको ला के किसी को बेचता है तो फिर वो 200 ग्राम की चोरी करता है, मतलब उस दूसरे वाले देता है उसको 200 ग्राम कम देता है, एक तो 1200 ग्राम लाया 1 किलो की जगह पे, और उसने 1 किलो की जगह पे उसको दिया कितना 800 ग्राम, देखो 1000 ग्राम है, जब ये वहाँ से लाया था तो कितना लाया था, 1000 की जगह 1200 ग्राम लाया था, प्लस करके 200 ग्राम की चोरी किया था उसने, अब इसको 1 किलो को बेच रहा है तो क्या करता है वो 200 ग्राम की चोरी कर लेता है, 200 ग्राम उसको कम दे देता है, 800 ग्राम ही देता है ग्राहक को, तो देखो वो क्या पूछ रहा है अभी, प्रॉफिट कितना होगा, तो 800 रुपये की चीज़ को 1200 रुपये में, 800 रुपये की चीज़, मतलब 1000 की जगह उसने 800 ग्राम दिया है, एक तो उसने 800 ग्राम 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दिया है, प्लस उसने 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम वो लाया था, तो डबल फायदा कर लिया उसने, 200 गया टोटल 400 ग्राम को फायदा कर लिया उसने, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 400/8 कितने पे किया है 800 पे, 100 कर देंगे कितना परसेंट फायदा हुआ उसको,
50% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5,000 रुपये में खरीदता है, अगर वह 3/5 का हिस्सा 12% लाभ पर बेच दिया, यदि वह सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, उसने कुछ वस्तुओं खरीदी 5,000 रुपये में, वह क्या चाहता है, टोटल वस्तुओं पर 20% का लाभ चाहता है। ठीक है, दे रहा है, अगर उसने किया 3/5 हिस्सा उसने 12% में बेच दिया और शेष बचे उससे को कितने परसेंट में बेचे कि उसे टोटल 20% का लाभ हो जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये 5,000, 10,000, 20,000 कितना भी दे, इसको कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, डरना नहीं इस चीज़ को देख के। ठीक है, देखो 3/5 का हिस्सा, यहाँ से देखिए, मान लो टोटल वस्तु 5 है, 5 में से 3 उसने 12% के लाभ पे बेच देंगे। ठीक है, तो कितना, 1 पे 12% कमाया तो 3 में कितना कमा लिया उसने, 36% कमा लिया। ठीक है, अब वस्तु कितनी बच गई, 2 बच गई, 5 में से 3 उसने 12% के लाभ पे बेच दी तो कितनी बच गई, 2 बच गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, जो 2 वस्तु बची इन पे कितना परसेंट पे इनको बेचे उसे टोटल 20% का लाभ हो। टोटल वस्तु कितनी हमने बनी, 5, 5 पे 20% चाहिए उसको टोटल पे, तो मतलब 10, 100% चाहिए लाभ उसको, 36% हमको मिल गया, कितना बच गया, 64%। और 2 वस्तुओं पे 64% चाहिए उसको, 2 वस्तुओं पे 64% लाभ कमाएगा तो एक वस्तु कितने परसेंट पे बेचेगा, 2 का भाग दे देंगे, लास्ट वाली जो 2 वस्तु बची हैं उनको प्रत्येक वस्तु को दोनों को 32-32% के लाभ पे बेचेगा, तब उसको 64% लाभ होगा, तब जाके वो 5 वस्तुओं पे 20% के हिसाब से लाभ कमा पाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु को लास्ट में जो 2 बची हैं उनको 32% के लाभ के हिसाब से देखेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 99-99.77 रुपये में खरीदता है, यदि वह 5/7 हिस्सा 20% लाभ पर बेच दे। ठीक है, तो बताओ कि वह बची वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उससे कुल 24% लाभ हो। इसमें बोल रहा है टोटल 24% लाभ चाहिए उसको और 5/7 हिस्से को 20% लाभ पर बेच देता है, शेष वस्तुओं कितने में बेचे 24% लाभ हो टोटल पे, ये कितना दिया इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कितना भी दे, टेंशन नहीं लेना इसका, डरना नहीं इसको देख के, बड़ी संख्या है बोले एग्जाम में आ गया, बड़ा संख्या छोड़ो यार उसको, छोड़ना नहीं। ठीक है, इसको देख के नहीं डरना है, सुनो कितना हिस्सा उसने बेच दिया, 5/7, मान लो टोटल वस्तु 7 है, 5 बेच दें कितने परसेंट में, 20% के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया 100% उसने कमा लिया। ठीक है, टोटल उसको चाहिए 24%, 7 टोटल वस्तु 7 है, 7 में 24% चाहिए तो कितना हो गया, 7 6 28, 1 7 14 168% उसको चाहिए। वस्तु कितनी बची, 2, कितना कमाना उसको, 68% कमाना है, अभी 2 वस्तुओं पर 68% कमाएगा तो 68/2 कितना आएगा, 34%, 34% दोनों वस्तुओं पे, वो प्रत्येक वस्तु को 34% के हिसाब से देखेगा, तब उस जाके उसको जो 7 वस्तु हैं उन पर 24% के हिसाब से फायदा होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें क्या करें, देखो 40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा उसने। 40 वस्तुओं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, देखो ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जाना है मेरे हिसाब से, जो मेरा कहना है, जो मैं कभी शॉर्ट ट्रिक से इन सवालों को नहीं करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, देखो क्या बोला, 40 वस्तुओं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें मान लो देखो 10 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है ना, तो मान लो क्रय मूल्य, मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो करते हैं चलो, ठीक है, एक वस्तु का CP 1 रुपया, 10 वस्तु का CP 10, 40 का, 40 वस्तु का CP कितना होगा, 40 हो गया, और 40 रुपये, 40 वस्तुओं का CP 40 है, 40 वस्तुओं को बेचता है तो 10 रुपये के क्रय मूल्य के बराबर आने होते हैं। 10 रुपये का क्रय मूल्य कितना है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आने होते हैं, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य कितना, 10, तो 10 रुपये का लॉस होता है, मतलब 40 रुपये में 10 रुपये का लॉस हो रहा है उसको, यही तो है ना, उसको 40 रुपये पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है उसको, हानि प्रतिशत बराबर 10 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पे, 40 पे, 100 × 4 से 25 बार, 25% लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, जिसके बराबर हानि हो, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो उसी को मान लो। इसमें क्या हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, 10 का 10, 40 का 40, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपया, 40 रुपया हो गया, 40 वस्तुओं को उनको बेचेगा तो 10 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, मतलब 10 रुपये की हानि होगी, तो 40 रुपये की चीज़ खरीदा था उस पर 10 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है ना, तो उसने 30 में बेका होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बेका हमको चाहिए हानि कितनी हुई, हमको 10 रुपये की हानि हुई कितने पर, 40 पे, तो 10/40 कर दिया, गुणा 100 कर दिया, 25% लॉस आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें 65 वस्तुएं बेचने पर 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट लाभ कितना है, परसेंटेज लाभ प्रतिशत कितना है ये पूछा है। तो देखो 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसमें भी देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, तो 13 वस्तुओं का 13 रुपये हो गया, 65 वस्तुओं का 65 रुपये हो गया, अब 65 वस्तुएं उसने 65 रुपये में खरीदी हैं, ठीक है, कितने में खरीदी हैं, 65 रुपये में, अब 65 रुपये की वस्तुओं को बेचता है तो 65 वस्तुओं का मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब क्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 13 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी हैं, 13 में, मतलब 13 रुपये का लाभ होता है, 65 रुपये की चीज़ को बेच के 13 रुपये का लाभ कमा रहा है, समझा रहा है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है ये पूछ रहा है, तो 13 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये पर हो रहा है, 65 रुपये पर हो रहा है, ठीक है, तो निकाल लो, इसको मैं लिख देता हूँ फिर भी, एक वस्तु का CP 1 रुपया, 13 का CP 13 रुपया, 65 वस्तु का CP 65 रुपया हो गया, अब 65 रुपये की वस्तु को बेचता है तो 13 रुपये का लाभ होता है, 65/13 का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 13/65 × 100, 13×65 500 कट गया 20 बार, 20% का लाभ हो रहा है,
जाएगा प्रॉफिट। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, छह वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें छह वस्तुओं बिकता है तो दो वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें विक्रय मूल्य के लाभ बराबर लाभ देखो इसमें विक्रय मूल्य के दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ लाभ के बराबर लाभ हो रहा है सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना तो इसमें विक्रय मूल्य की रेट मानेंगे। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया तो 2 का 2 रुपया और 6 का 6 रुपया। ठीक है मान लो 6 वस्तुएं 6 रुपये में बेची हैं, 6 रुपये में बेची हैं तो उसको 2 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है तो 2 रुपये के विक्रय मूल्य में 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है 6 रुपये में बेच रहा है 2 रुपये का लाभ हो रहा है उसको, तो कितने में खरीद रहा है 4 रुपये में। भाई 6 रुपये में कोई चीज़ को बेच के 2 रुपये का लाभ कमा रहा है तो उसने कितने का ख़रीदा होगा, 4 रुपये का ना, तो 4 रुपये का ख़रीदा होगा तो उसमें 2 रुपये का लाभ कमा लिया, उसने कितना परसेंट लाभ कमा लिया करो। देखो एक वस्तु का एस पी मतलब विक्रय मूल्य 1 रुपया है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपये हो जाएगा और 6 वस्तु का कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 6 रुपये हो जाएगा। जब बंदा 6 रुपये 6 वस्तु को 6 रुपये में बेचता है तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा करता है, मतलब 2 रुपये का फायदा करता है। 6 रुपये की चीज़ को बेच के 2 रुपये का फायदा कर रहा है तो उसका, अगर 6 रुपये की चीज़ को बेच के 2 रुपये का फायदा कर रहा है तो कितने में खरीदा उसने, 4 रुपये में ना, क्योंकि उसको 2 रुपये का फायदा हो रहा है 6 रुपये की चीज़ को बेच के, 6 रुपये में चीज़ को बेचता है, 2 रुपये का फायदा 4 हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है तो क्रय मूल्य क्या हो गया सी पी, 6 - 2 और 4 हो गया। पूछे लाभ परसेंट, लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंट इज इक्वल टू कितना लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है ना, कितने पे हो रहा है 4 रुपये पे, सी पी 4 है, 100 कर देंगे, 2 से 50% कितना आ गया, 50% क्या आ गया प्रॉफिट। ठीक है जी 50% क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 6199.7 रुपये में खरीदता है, अगर वह प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 10% आने पर बेच दे तो बताओ उसे बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कोई दुकानदार है कुछ वस्तुएं खरीदता है वो, ठीक है उसमें क्या है 1/3 हिस्सा जो वस्तु हैं उनका 1/3 हिस्सा वो 10% की हानि पर बेच देता है, बचा 2/3 हिस्सा। उस हिस्से को क्या करता है वो, उस 2/3 हिस्से को पूछ रहा है कि कितने परसेंट पर बेचे लाभ पर बेचे उसे टोटल कुल मिला के 20% का लाभ हो जाए, पूरी वस्तुओं पर 20% का लाभ हो जाए। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इस संख्या से कितना भी दे रखा हो वस्तुएं रुपए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है 1/3 हिस्सा लो, देखो 1/3 हिस्सा उसने कितने बेच दिया 10% की आने पर, मानो 3 वस्तुएं थी एक वस्तु उसने बेच दी 10% की आने पर तो उसे कुल मिला कितनी परसेंट आने होगी, 10% आनी माइनस में चल रहा है वो। ठीक है अभी वस्तु बची 2, उसे कुल परसेंट चाहिए टोटल वस्तुओं को 20% चाहिए, टोटल वस्तु 3 है 3 का 20% चाहिए उसको, मतलब 60% उसको चाहिए अभी, 10% वो ऑलरेडी माइनस में, वस्तु बची 2 उसको निकालना है 60%,
मतलब 60 तो ये निकालना है प्लस 10 ये भी तो निकालना पड़ेगा, टोटल कितना निकालना पड़ेगा 70, 70% उसको दो वस्तुओं में से निकालना, तो दो वस्तुओं कितने परसेंट के लाभ पे वो बिकेगा कि उसे टोटल पे 60% का फायदा हो जाए, 35% के प्रॉफिट हो बिकेगा प्रत्येक वस्तु जो बाकी दो बची उनको, तब जाके उसको तीनों वस्तुओं पे 60% का फायदा हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है, अगर वह उसका 2/5 15% लाभ पर बेचे तो बताओ वह बची वस्तु कितने परसेंट के नुकसान पर बेचे, उसे कुल मिलाकर ना लाभ और ना हानि हो। देखिए इसमें भी आपको 4800 से कोई मतलब नहीं है, उसका 2/15% लाभ पर बेचता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले आपको समझा देता हूँ एक बार। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है, वो उस वस्तु का 2/5 15% लाभ पर बेच देता है, और वो क्या चाहता है कि इसमें मुझे न लाभ हो न हानि हो कुल मिलाकर। तो उसने 2/5 है जो 15% लाभ पर, तो उसने बेच दिया, जो शेष बचा भाग है उसको कितनी परसेंट हानि पर बेचे, से न कोई लाभ हो न हानि हो। तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है 2/5 ले लो, 2/5 मान लो 5 वस्तुएं हैं टोटल उसने, ठीक है तो उसने 2 वस्तुएं उसने बेच दी कितने परसेंट में, 15% पर, तो उसने 15 30% तो लाभ कमा लिया उसने, वस्तु बच गई 3। अब उसको क्या करना है, बराबर करना है 30% को, इसको बराबर करना है 3 वस्तुओं को, 0% पर लाना है 3 को 30 को, तो क्या करेगा वो तीनों पे, देखो ती उसको क्या करना है 30% है ना, 30% को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10% का अगर हर वस्तु पे वो लॉस खाएगा ना, तो पूरा 30 0 हो जाएगा, मतलब न लाभ होगा न हानि होगी 10%, ठीक है लॉस खाएगा, तीनों वस्तु पे 10% का लॉस खाएगा तो वो ना उसको लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि 30% है या 30% तीन तीन वस्तुओं पर 10 10% के हिसाब से 30% का लॉस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 30% का लॉस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना कोई लाभ होगा ना हानि होगी उसको। अब क्वेश्चन आएगा 80 वस्तुओं को, सॉरी सॉरी ब्रो यार दिखने पर रहा था, ठीक है आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए 80 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट क्या है। माना क्या हो रहा है, देखो 40 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो मान लो विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपया, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 80 रुपये में चीज को बेच रहा है तो 40 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है तो कितने में खरीदा हुआ, 40 रुपये में, 40 रुपये की चीज पे उसको 40 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसको कर लेते हैं आपके, एक एक वस्तु का CP सॉरी SP 1 रुपया है, तो 40 का SP कितना हो गया, 40 रुपया हो गया, इसी पर 80 का कितना SP हो गया, 80 रुपया हो गया, ठीक है। अब कोई वस्तु को 80 रुपये में बेच रहा है, 40 का फायदा हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा उसने, CP कितना होगा, 40, 40 की चीज़ पे 40 रुपये का फायदा हो रहा है, तो कितना परसेंट फायदा हो रहा है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, 40/80 कितना का खरीदा, 40 का गुणा 100, पूरा 100% का फायदा हो गया,
ठीक है, कितना खा रहा होगा, 100% है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से मैं करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो सीधा सीधा देखो इनका अंतर ले लेते हैं, नीचे इनका अंतर आता है, ठीक है। जितनी वस्तुओं का बराबर लाभ हो रहा है ना वो तो आएगा ऊपर, उसके बाद नीचे आ जाएगा अंतर। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य हो, अगर 40 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो ना तो नहीं आता। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो देखो कितने वस्तुओं के बराबर, कितने वस्तुओं के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 40 के। यहाँ पे एक बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। 40 के बट्टे दोनों का अंतर कितना, 40 बड़ा 100% निकाल लो, 4 आ गया, 100% आ गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ मेथड से, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे, उस प्रकार से सीखिए, मेरा कहना यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।